तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में, और यह वीडियो क्लास 10th का हिंदी का है। गद खंड का आखिरी लेसन है, यानी 12 लेसन है, जो कि बहुत ही शानदार है। हमारे देश के भारत के जो राष्ट्रपिता हैं, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखे गया ये पूरा का पूरा एक शिक्षा और संस्कृति पाठ है, बहुत शानदार है। उससे पहले कि महात्मा गांधी के जिंदगी के बारे में हम लोग जान लें, उनका जन्म कब हुआ, वो पढ़ाई कब किए, शादी कब किए, यानी कि बहुत लोग आप देखिएगा कि जब शादी हो जाने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ जाते हैं, लेकिन ये शादी करने के बाद पढ़ने गए और इन्होंने पूरा का पूरा इतिहास रच दिया। आप देखिएगा यहाँ कितना मजेदार तरीका से। देखिए, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 70 में, एक कम याद रखिएगा बाबू। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, और गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। ये याद आपको हुआ, गुजरात के पोरबंदर जिला में यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ हुआ है तो मान लीजिए प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा कहाँ होगा, जो हम लोग 2, 3, 4, 5 ये सब जो पढ़ते हैं ये वहीं पर किए होंगे अपने जिला में, तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर किए हैं। ठीक है, अब देखिए, जब वो थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है, पहले माता पिता का नाम जान लें कि पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। ये आप याद रखिएगा, माता का नाम, देखिए कभी कभी माता और पत्नी में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बहुत लोग गलत टिक मार के आ जाते हैं। माता का नाम पुतली बाई, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पत्नी का नाम है कस्तूरबा, ये दिमाग में आप रट लीजिए बाबू, माता का नाम पुतली बाई। अब देखिए, जब वो थोड़ा से बड़े हुए तो इनके माँ बाप ने इनकी शादी करा दी, यानी वो जब 13 साल के थे तो माँ बाप ने इनकी शादी करा दी है, ठीक है, यानी 1883। लेकिन देखिए, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कितना 14 हो रहा है, लेकिन 13 साल होगा, इसलिए कहीं 82 और कहीं 83 देता है, आपके हिंदी की किताब में 83 दिया है, ठीक है। 1883 में उनका शादी करा दिया गया। देखिए, इतने कम उम्र में इनकी शादी हो गई है कस्तूरबा से, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा बाबू, कस्तूरबा से इनकी शादी तो हो गई, लेकिन पत्नी कभी भी सफलता में बाधा नहीं बनी। जो काम ये कर रहे थे उसमें पूर्ण रूप से सही हो गए। अपने यहाँ कभी देखे होंगे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले पत्नी अपने पति को पकड़, ना ना रहुआ नहीं खे जाए के, ठीक है, लफड़ा में ऐसे होता है ना, ऐसा कंडीशन आने लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब जैसे ही वो पकड़ेगी अपनी पति को तब तो दूसरा आकर पीट देता है, यानी पिटवाने में योगदान इनका हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में कभी वो मना नहीं की, कही कि हम आपके साथ हैं, चलिए, ठीक है, यानी कि कदम से कदम मिला के चली हैं। यहाँ देखिए, अब जब ये शादी हो गया तो शादी के बाद सोचे कि अब थोड़ा सा वकालत पढ़ते हैं, जो भी संग्राम होगा तो वकालत तो पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए तो वकालत पढ़े। यहाँ पे वकालत की पढ़ाई के लिए चले गए लंदन, जहाँ से अंग्रेज आया था यहाँ कब्जा करने, ना वहीं से ये भी पढ़े लिखे हैं, तो कैसे हार सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके ठीक कितने साल बाद, तो 83 के बाद 5 साल जोड़िएगा, यानी 5 साल के बाद, शादी के 5 साल के बाद ये पढ़ने के लिए गए हैं, ठीक है। सब लोग जब पढ़ाई छोड़ते हैं तो ये देखिए क्रांतिकारी व्यक्ति पढ़ने के लिए गए हैं। 4 दिसंबर 1888 में लंदन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए गए। अब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेंथ में पूछा जाएगा कि गांधी जी लंदन यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, तो लंदन गए। कब गए? तो 1888 में गए। अब देखिए, वहाँ जब पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद वकील बन गए, तो वकील गए तो कहीं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, पढ़ाई का प्रैक्टिकल। इनका तो मानना भी था कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसी समय जो चीज़ पढ़ रहा है उसका काम दे दो, ताकि वो काम भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे, तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा, इसी लेसन में वो बताए हैं। अब देखिए, अफ्रीका का प्रवास किया, यानी उधर अगर गए तो 1893 से 1914 तक वहाँ रहे, और अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग, वो बोले कि लड़ाई झगड़ा करके, हिंसा यानी होता है लड़ाई झगड़ा, हिंसा करके युद्ध नहीं जीता जाता है, क्रांति नहीं लाया जाता है, अहिंसा का प्रयोग करो, ठीक है, सत्याग्रह करो, भूख हड़ताल करो, इससे अंग्रेज सरकार झुक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हिंसा का प्रयोग कहाँ किया है, तो भारत में नहीं, आगे किए हैं अफ्रीका गए, उसके बाद आए हैं कहाँ पे, इंडिया में। वो भारत लौटे, यहाँ नहीं लिखे, भारत लौटे हैं 1915 में, ठीक है, 14 तक तो अफ्रीका रहे, 1915 में, वो भी कब, तो 9 जनवरी को लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी को। तो बाहर से लौटते थे ना, तो इसीलिए जब बाहर से लौटे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा बाबू। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 में लौटे, और वहाँ पर लौटे तो क्या किए, लौट करके स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े, यानी उसी समय से स्वाधीनता संग्राम, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है, स्व अधीन यानी खुद के अधीन रहो, खुद के गुलाम हो सकते हो, दूसरे के गुलाम नहीं, अपने हिसाब से चलो। उनका हथियार क्या था? बम बारूद गोली, ये सब बाबू कुछ नहीं था, उनका हथियार था अहिंसा,
झगड़ा नहीं करो, अहिंसा, यानी अगर कोई एक गाल आगे, मतलब एक गाल पर मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, मतलब अहिंसा, ये बोले नहीं, अब आगे आपको नहीं करना है, आपको सिस्टमैटिक तरीका से चलना है। सत्याग्रह इनका हथियार था, स्वराज की मांग करते थे, खुद का राज, अंग्रेजों आप यहां से चले जाओ, हम खुद का राज करना चाहते थे। स्वदेशी का नारा, ये बोले कि अपने देश का प्रोडक्ट यूज करो, अपने हाथों से खुद बनाओ और सामान का प्रयोग करो, स्वदेशी नारा दिए, यानी कि स्वदेशी नारा, दूसरे विदेश की चीजों का उपयोग मत करो, ठीक है। तो स्वदेशी नारा उन्होंने दिया। आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। स्वराज की मांग किसने की, महात्मा गांधी ने की। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें महात्मा कहा। बाप रे बाप, आप तो महान आत्मा हैं, इसलिए क्या बोला है, महात्मा कहा है। अब देखिए इनकी पुस्तक का नाम हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज, खुद का राज, सत्य का साथ मेरा प्रयोग, ये कभी भी सत्य बोलते थे और कहते थे एक बात, ये याद रखिएगा इसको, कि असत्य जो भी लोग बोलेंगे ना, मतलब झूठ वगैरह बोलेंगे, असत्य को सत्य से हराया जा सकता है, यानी सच बोल के हराया जा सकता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमेशा सत्य का प्रयोग किया। इसीलिए इन्होंने सत्याग्रह चलाया था, क्या चलाया था, सत्याग्रह चलाया था, सत्य से ही सत्याग्रह बना है, ठीक है। अब देखिए पत्रिका का संपादन, इन्होंने सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया। बाबू इतिहास में कहीं हरिजन शब्द नहीं है, लेकिन सबसे पहले महात्मा गांधी ने जितने भी दलित हैं, एससी एसटी कास्ट में आते हैं, एससी और एसटी में, उन लोगों को ये हरिजन बोला। हरिजन क्यों, तो जब हरिजन, जब भीमराव अंबेडकर उस समय हरिजनों के लिए, यानी कि एससी एसटी के लिए अलग क्षेत्र मांग रहे थे, उस समय पूरा हरिजन गुस्सा थे, तो उस समय ये शब्द यूज किए हैं कि तुम गुस्सा क्यों हो, तुमको कोई छोटा कह रहा है, वो खुद गधा है, तुम छोटे नहीं हो, तुम हरिजन हो, हरि मतलब भगवान, जन मतलब आदमी, तुम भगवान के आदमी हो, तुम छोटे कैसे हो सकते हो, तुमको डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन है भाई, तो तुम कैसे छोटे हो सकते हो, तो हरिजन बोला है, ठीक है। और पत्रिका दूसरा हो गया यंग इंडियन, यंग इंडियन पत्रिका का संपादन किसने किया, तो किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। और बेचारे एक ऐसे अपराधी, क्या बोले उनको, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मार दी गई, यानी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी, यानी कि अब फरवरी होने वाला था, एक दिन और बचा था, उससे पहले फरवरी में एंटर मारते, यानी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको इतना समझ में आया, इन्होंने क्या किया कि शिक्षा और संस्कृति, एक शिक्षा शास्त्र लिखा। शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा और संस्कृति किस प्रकार की विद्या है, आपसे पूछा जाएगा, तो ये शिक्षा शास्त्र है। क्या है, जैसे कहानी होता है, कविता होता है, तो ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। अब ये शिक्षा शास्त्र क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा जो हम लोग पढ़ के लेते हैं, और संस्कृति जो हम लोगों को अपने गांव द्वारा मिलता है, संस्कृति अपने समाज द्वारा मिलता है, माता पिता के द्वारा जो संस्कार सीखा जाए, वो दोनों में क्या अंतर है। तो पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, किताब का कीड़ा बनते हैं, वो जरूरी है कि संस्कार जरूरी है। इस लेसन में इसी का व्याख्या किया गया है कि पहले संस्कार की पहले शिक्षा, अगर संस्कार रहेगा तो शिक्षा आ जाएगा, लेकिन सिर्फ शिक्षा हो तो हर तरह से संस्कार परिपूर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग अगले लेयर में देखते हैं। यह लेसन आखिर महात्मा गांधी क्यों लिखे हैं, क्या वजह रहा होगा, आखिर किस तरह से इस लेसन को लिख करके समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो सुनिए, जब बच्चा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो क्या होता है कि उसे किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, डायरेक्ट कॉपी किताब लो और पढ़ाना शुरू करना चाहिए, या फिर उससे पहले उसको संस्कार देना चाहिए कि बड़े का आदर कैसे करना है, माता पिता की सेवा कैसे करना है, कैसे आदर करना है, कैसे, देखिए हमारी संस्कार में होता है कि हमसे बड़े अगर कोई आते हैं तो हम लोग कुर्सी से हट जाते हैं और उसको बोलते हैं बैठने के लिए, ये हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है कि हमें बड़ों के सामने कैसे रहना चाहिए, ठीक है, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट कैसे देना चाहिए। तो पहली शिक्षा ये होनी चाहिए, या पहली शिक्षा ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट कॉपी किताब उठाओ और डायरेक्ट न्यूटन का नियम पढ़ना शुरू कर दो, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, जो पढ़ना ये सब पढ़ना चाहिए। इसी के बारे में महात्मा गांधी यहां वर्णन किए हैं, सुनिएगा। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा तो जरूरी है ही, देश के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब होता है हर चीज का विकास, ठीक है, जैसे शरीर में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी हर चीज का विकास, इन इसकी हमारा सिर्फ ज्ञान बढ़ रहा है, शरीर बढ़िए नहीं रहा है, यानी सब चीज का विकास होना ही सर्वांगीण, यानी सबका विकास होना सर्वांगीण विकास कहलाता है। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा होना चाहिए लेकिन उससे पहले हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे, यानी कि हमारे हम अपनी परंपरा को नहीं भूलेंगे जो शुरू से चलते आ रहा है, ठीक है, माँ बाप का रेस्पेक्ट देना ये हम लोग नहीं भूलेंगे, इज्जत देना हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते जो चलते आ रहा है।
पाठ में क्या चर्चा किया गया, महात्मा गांधी क्या बताएं कि सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, यानी सच्ची दिशा दिखाने की कोशिश किया गया है कि सच्चे मायने में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े कोई ऑफिसर बन गए और किसी का रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको उतने बड़े ऑफिसर बनने से कोई फायदा नहीं, जब क्योंकि कोई आपको इज्जत नहीं देगा। आप खुद सोचिए ना, हम किसी को इज्जत देते हैं तो उसके बदले में हमको इज्जत मिलता है, यानी कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। अगर किसी को बाबू बोलेंगे तो हमको भैया जरूर बोलेगा, अगर बोलेंगे सुन रहे तो जरूर बोलेगा बोल रहे, ऐसा तो बोलेगा ही ना। तो रेस्पेक्ट के बदले ही रेस्पेक्ट मिलता है, यही हमारी संस्कार है। यहां देखो, भारतीय संस्कृति की यहाँ विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति में किस पर प्रकाश डाला गया है, तो संस्कृति के विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब देखिए वो बोले हैं संस्कार में बताए हैं कि अगर आपको कोई मार रहा है या फिर आपसे कोई झगड़ा कर रहा है तो उसके बदले में आप भी झगड़ा मत कीजिए, आप एक तरह से उससे जीत सकते हैं। आप हिंसा मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए, यानी किसी के प्रति अहिंसा का मतलब क्या, ठान करके बैठ जाइए। जैसे गांधी जी का सत्याग्रह करना शुरू कर देते, भूख हड़ताल करना शुरू कर दे, क्या उसके बदले में वो लड़ते थे? नहीं, अपने से अंग्रेज उब जाता था। ठीक है, तो यहां देखिए प्रतिरोध का बढ़िया शिक्षा अहिंसा है। अगर प्रतिरोध करना है, प्रतिरोध का मतलब किसी के विरोध काम करना है, तो लड़िए मत, अहिंसा को फॉलो कीजिए। झगड़ा नहीं करना है, प्यार से ही समझाना है, बार बार समझाना है। ठीक है, वो उब करके वो काम कर देगा। ठीक है, जो अक्षर ज्ञान से पहले की शिक्षा है, अहिंसा जो होता है ना अक्षर ज्ञान से पहले सिखाया जाता है, यानी जब बच्चा छोटा होता है ना तो डायरेक्ट उसे अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता है, कखा का पढ़ो, वर्णमाला पढ़ो, उससे पहले सिखाया जाता है कि बाबू लड़ाई झगड़ा मत करो। आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, जब वो तुमको मार दिया तो तुम उसको काहे नहीं मारा, वो तुमको दांते कटा, तुमको ईंटा चला के मारना चाहिए, ईंट वगैरह पत्थर मारो उसको, ऐसे संस्कार दिया जाता है, तुम हार कैसे गया। जबकि गांधी जी का कहना है कि अहिंसा का पालन करो, सत्य और मतलब अहिंसा परमो धर्म, हमारा पहला धर्म अहिंसा होना चाहिए। ठीक है, पहले ये याद रखिएगा, अहिंसा हमें क्या होता है, अक्षरों के ज्ञान से पहले आता है, हमको ये चीज होना चाहिए। अब देखिए वर्णमाला और संस्कारी ज्ञान से पहले हमको अहिंसा का पालन, यानी कि प्रेम आत्मा सत्य क्या है, सबसे पहले अगर हम जो क्लास में वर्णमाला पढ़ते हैं, कखग पढ़ते हैं, फिर न बाद में चल करके किसी का नाम लिखना शुरू करते हैं, तो ये सब ज्ञान देना जरूरी नहीं है। सबसे पहले उसे दुनिया के बारे में बताओ कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम का मतलब आजकल वाला प्रेम मत समझिएगा, 2 पर्सन एंड देयर आईज कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड लव, ये वाला मोहब्बत नहीं बोल रहे हैं हम, प्रेम करें माँ बाप का प्यार, ये सब प्रेम। प्रेम क्या है भाई, ये तो सबको पता है कि त्याग को ही प्रेम कहते हैं, जिसमें त्याग हो वो सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। माँ बाप आपके लिए जान तक दे सकते हैं, दूसरी की बारी आएगी बस निकल लेगा, अरे जान रहेगी तो तुम्हारे जैसा बहुत मिलेगा, ऐसा हो जाता है। तो वो प्रेम के बारे में बताइए कि सबसे लगाव रखो, प्रेम एक लगाव है, अट्रैक्शन का बात हम नहीं करें, एक लगाव है, उससे सच्चे दिल के साथ रहो। ठीक है, आत्मा के बारे में बताओ, उससे बताओ कि आत्मा के बारे में तुम क्या हो, सत्य के बारे में बताओ। ठीक है, कि कभी तुमको जिंदगी में झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, सत्य के सहारे ही असत्य की हार हो जाएगी, जो झूठ बोलेगा वो एक दिन हारेगा। लाख लोग बेकार काम करते हैं, लोग 2 नंबर का धंधा वगैरह करते हैं, लेकिन अंत में उनको भुगतना पड़ता है, उस कर्मों का नतीजा मिलता है। यानी आज जो हम लोग करते हैं ना, यानी आज हमको जो नतीजा मिलता है पीछे किए गए कर्मों का नतीजा मिलता है। ठीक है, इस सब के बारे में पहले ज्ञान दीजिए, तब जाकर के वर्णमाला का ज्ञान दीजिए। पहले संस्कार भरिए, फिर पढ़ाइए, और फिर समाज के बारे में बताइए। ठीक है, ऐसे कीजिए। इसमें क्या होती है, छुपी हुई शक्ति को जानना है, इसमें शक्ति बहुत बड़ा छिपा है, अगर ये जान गया तो परिवार में बच्चा रिस्पेक्ट देगा, और अंत में जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनका सहयोग करेगा, उस समय उनका बहिष्कार नहीं करेगा, उस समय उनको क्या अनदेखा नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग मार झगड़ा सिखाते हैं तो अंत में वही मार झगड़ा खुद के लिए काम आने लगता है, और अंत में माँ बाप को बच्चा छोड़ देता है। यानी संस्कार इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ समझिए। शिक्षा के लिए जरूरी अंग बालक के लिए क्या हो सकता है, समझिएगा। शिक्षा का सबसे पहला अंग, अगर कष्ट है तो सहना सीख लो,
कष्ट है तो सहन से उसको हराया जा सकता है। ठीक है, जिस दिन बर्दाश्त करना सीख लीजिएगा ना, दुनिया में किसी से लफड़ा नहीं होगा और हर दुख को बर्दाश्त करके आप आगे निकल जाएगा। यानी कष्ट अगर हो रहा है तो सहना सीख लो। अगर आपसे कोई घृणा कर रहा है आप उससे प्रेम करें, आपसे कोई खूब नफरत कर रहा है फिर भी उसका इज्जत कीजिए, उसका बड़ाई कीजिए। देखिए अंत में उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आपके प्रति वो भी सोचेगा कि यार हम इतना इसको बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन बेचारा फिर भी हमसे ये प्रेम करता है, फिर भी लगाव रखना चाहता है। तो घृणा को प्रेम से हराया जा सकता है। ठीक है, असत्य को सत्य से हरावें, यानी जो भी असत्य बातें हैं, असत्य गलत बातें हैं, वहां आप सच बोले, झूठ नहीं बोले, उसको हरावें। यही हमारी क्या है, शिक्षा का सबसे जरूरी अंग है, एक बच्चे को सिखाया जाता है। यहां देखिए, लेखक की राय में सच्ची शिक्षा क्या है, लेखक यानी कि महात्मा गांधी के राय में सच्चे अर्थों में शिक्षा क्या है, तो बोले अपने इंद्रियों का उपयोग करो, आंख नाक कान जितना इंद्रिया है सब इंद्रिया में। अब ये मत सोचिएगा सर फाइव सेंस ऑर्गन्स होता है, वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाथ पैर ना कि जितना इसका उपयोग करो, जब आपके इंद्रिय सही से उपयोग करेगा, काम करेगा ना, तो बुद्धि का प्रयोग करो, तब जाके बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसका सही मायने में इस्तेमाल करो, ठीक है, उसके बाद दिमाग का इस्तेमाल करो, देखना आपको जिंदगी में कभी भी कोई पीछे नहीं कर सकता है, अगर सब कुछ आपका सही सलामत रहे तो। प्रारंभिक शिक्षा में अब बच्चे को शिक्षा क्या दोगे, ठीक है, तो बच्चे को जिम्मेदारी समझाओ कि देखो अब तुम बाबू धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अपना काम खुद करना शुरू करो, नहीं तो क्या करेगा बच्चा, आएगा स्कूल से शॉर्ट खोलेगा वो उधर फेंकेगा, कहीं कहीं इधर डेस्क पर फेंकेगा, पैंट कहीं अलग फेंकेगा, इस सब अलग अलग है और बैग कहीं अलग फेंकेगा, तो ये संस्कार नहीं देना। अपने सामान को सजा के रखो, अच्छा से रखो, ऐसे जब वो जिम्मेदार हो जाएगा ना, तो हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब समझने लगेगा तो बच्चा आगे जरूर बेहतर करेगा, उसे खुद दिमाग में आएगा कि पढ़ना है। तो देखिए यहाँ प्रारंभिक शिक्षा, सफाई, देखिए तंदुरुस्ती शरीर को, मतलब स्वास्थ्य के लिए तुम एक्सरसाइज वगैरह करो, भोजन शास्त्र, खाना बनाने को उसको सिर्फ बताओ, ठीक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब जो भी है अपना काम स्वयं करे हो और माता पिता की मदद करिए, मूल सिद्धांत होता है। अगर इतना चीज रहेगा ना तो बच्चा जिंदगी में कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर माँ बाप के सिद्धांतों पर काम करे तो माँ बाप, अच्छा कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे उसका बेटा नालायक बने, लायक बनना ही सिखाते हैं, या फिर वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा जिस पद पे हम है ना उससे ऊपर हो। ठीक है, वो पहले इंसान माँ बाप होते हैं जो ये सोचते हैं कि इससे ऊपर हो, नहीं तो दोस्त वगैरह कोई नहीं होता है, दोस्त हमेशा यही चाहेगा कि हमसे इसका लेवल नीचे रहे, ये रियलिटी है बाबू। ठीक है, कहा जाता है कि दोस्त आप क्या बोलते, थ्री इडियट मूवी वगैरह देखे होंगे, उसमें डायरेक्ट बताया गया है कि क्या होता है, दोस्त जब फेल होता है ना तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त पास हो जाता है, खुद ज्यादा नंबर लाता है, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। ठीक है, एक कंपटीशन की भावना से, लेकिन माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हम जिस लेवल पर है ना उससे ऊपर लेवल का मेरा बेटा रहे, यहां समझिए। अत्याधुनिक शिक्षा का अर्थ होता है हृदय की शिक्षा, बच्चे को अत्याधुनिक ज्ञान दो। ये क्या होता है भाई, आखिर नैतिक शिक्षा भी इसको बोलते हैं, यानी सबसे पहले उसको संस्कार, वही बात है, संस्कार सिखाओ, रहना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ये अच्छी बातें बताया करो, ये उनका क्या होता है, यही हृदय की शिक्षा है, दिल की शिक्षा है, यहाँ समझिए। और सर्वांगीण विकास अनिवार्य होगा, और इस तरह से उनके सभी अंगों का और सब कुछ का विकास होगा, दिमाग का भी विकास होगा, शरीर का भी विकास होगा, कब, जब सभी नियमों के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, शिक्षा ऐसी हो जिसमें क्या हो, तालीम के साथ साथ उत्पादन करने की क्षमता हो सके। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर हमको शिक्षा देना होता तो पता है कैसे शिक्षा देते हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं ना उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अच्छा मान लीजिए आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे कि जब सोडियम और क्लोराइड रिएक्शन करता है, आपस में अभिक्रिया करता है तो नमक बनता है, तो ये पढ़ लिए तो इसका उपयोग कब कीजिएगा भाई, इसका उपयोग भी तो कीजिए, आता है उस काम में लग जाइए। तो यही महात्मा गांधी कहते हैं, जो हम लोग शिक्षा लेते हैं उसका उत्पादन में काम करें, उसी समय बच्चा को नौकरी में लगा, नौकरी का मतलब क्या हुआ, काम में लगा दिए, वो सोडियम और क्लोराइड को मिलाए, नमक बनाए बार बार उसी काम में, ताकि भविष्य में कभी वो बेरोजगार रह जाए। ठीक है, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि कभी वो बेरोजगार रहे, कुछ नौकरी उसको मिल ही जाए, सबको मिल जाए, लेकिन कभी नहीं रहे तो उसका जो दिमाग रहेगा ना कभी वो सामान जरूर बनाया है। ठीक है, उत्पादन किया है जो पढ़ा है, तो इसीलिए वो अपने रोजगार चला सकेगा, यानी कि वो कभी बेरोजगार नहीं होगा। इसीलिए जो काम करो उसका प्रैक्टिकल, जो पढ़ाओ उसका प्रैक्टिकल कराओ। चाइना में यही होता है, जो आज पढ़ता है कल वही काम उसको करना होता है, वही काम करेगा तो उसका प्रैक्टिकल अच्छा से हो जाता है, यहां समझिए। शिक्षा केवल यांत्रिक ढंग से न दे करके वैज्ञानिक तरीके से
सिखानी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ मशीनों द्वारा नहीं, ठीक है, खुद वैज्ञानिक तरीकों से भी उन लोगों को शिक्षा के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बुद्धि की, यहाँ देखिए, बुद्धि की शिक्षा के साथ साथ हृदय की भी शिक्षा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग की, मतलब बुद्धि की शिक्षा दे रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन उसको दिल की भी शिक्षा दीजिए कि जब ये काम करना बंद कर देता है ना, तो दिल से डिसीजन लेने में आसान रहता है। जब जिंदगी में बहुत बड़ा टेंशन और प्रेशर आ जाता है, उस वक्त दिमाग काम नहीं करता है, तो एक ही काम करता है, वो है दिल, और दिल से डिसीजन लिया जाता है। अब ये मत समझना कि इससे डिसीजन लिया, दिल का मतलब मन से डिसीजन लिया जाता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, ठीक है। जब फैमिली प्रेशर आता है ना, एक तरफ जब माँ खड़ी रहती है और एक तरफ पत्नी, उस कंडीशन में, ठीक है, दिल काम, ये दिमाग काम नहीं करता है, उस वक्त दिल से डिसीजन लेना पड़ता है। या तो दोनों को समझा लो, और नहीं समझा पाए तो बर्बाद होना तो निश्चित है, ठीक है। तो यानी कि जब बुद्धि काम नहीं करता है, तो हृदय से भी डिसीजन, हृदय की भी शिक्षा जरूरी होती है। अब देखिए, गांधी जी का क्या उद्देश्य है समझिएगा। वो चाहते हैं शांत सामाजिक क्रांति, यानी क्रांति हो समाज में, लेकिन शांत तरीका से, लड़ाई झगड़ा नहीं कि एक बड़े कास्ट का है, एक छोटे कास्ट का है, दोनों अपने में लड़के मर जाए, नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, ठीक है। यानी कि अगर सब लोग शिक्षित रहेंगे तो ना कोई बड़ा रहेगा ना कोई छोटा रहेगा, ठीक है, दोनों मिल करके समाज को आगे बढ़ाएंगे, ये उद्देश्य है गांधी जी का है। देखिए यहाँ पे, शांत सामाजिक क्रांति का उग्रदूत और ग्राम संबंधों का एक, यानी कि ग्राम संबंध, गांव के संबंध कैसे होने चाहिए भाई, तो गांव के संबंध ऐसे होने चाहिए कि कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी गांव के निवासी एक होकर के रहें, और स्वास्थ्यप्रद और नैतिक, ये इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा इसमें टफ लग रहा होगा, समझिएगा, स्वास्थ्यप्रद, हम बोले कि आप स्वस्थ हैं यानी अच्छे हैं, ठीक है, और नैतिक आधार, सबके अंदर संस्कार होना चाहिए, जितने भी नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, और सब लोग खुश होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए समाज में। समाज मतलब कैसे अस्वस्थ हो जाता है, जब उसमें घृणा की भावना आ जाती है, तो समाज, अगर समाज को एक इंसान समझे, इंसान को अपने ही पार्ट से घृणा होने लगे, तो उसको बोलते हैं कि अस्वस्थ है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, समाज के अंदर किसी प्रकार का घृणा नहीं होनी चाहिए, सभी घृणा को हटा करके, ये कब होगा, जब अच्छे से लोग शिक्षित रहेंगे, और पहला बात कि उनको संस्कार सिखाया गया होगा, बाबू, तब जा करके क्या होगा, समाज में घृणा समाज से हटेगा, और छोटे और बड़े जातों में मेल मिलाप होगा, और जात तो पहले कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, हम लोग का भी जात क्या है, बेरोजगारी, यही एक जात है, जब तक रोजगार नहीं तब तक बेरोजगार है, ठीक है, तो बहुत बड़ा हम लोग का लेवल हो गया है। अब देखिए, यहां देखिए, समाज, यहां समाज होगा, सामाजिक होगा, सामाजिक की, समाज की आरक्षित अवस्था, जो भी समाज में आरक्षित अवस्था, जैसे जिसको आरक्षण मिला है, जैसे एससी एसटी, जो भी नीचे कास्ट के लोग हैं वो, या फिर वर्गों में विषमता, यानी कि वर्ग में विषमता का मतलब जहर घुला हुआ है, एक बड़ा जात का है जो जनरल में है, एक एससी एसटी छोटा जात है, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करता है। छोटा जात वाला कहता है कि बहुत परेशान किए हैं हमको, ठीक है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको याद होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, यहाँ तक कि क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था। इस सब चीज़ों को महात्मा गांधी देखे हैं, बोले हैं कि ये नहीं रहेगा तो ये समाज डेवलप करेगा। ये कब नहीं रहेगा, जब हर एक बच्चे के अंदर ये संस्कार डाला जाएगा कि समाज में कैसे रहना है, सामाजिक संस्कार डाला जाएगा, तो ये तभी होगा जब माँ बाप, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उस वक्त संस्कार डाला जाए, नैतिक शिक्षा डाला जाए। तो नैतिक शिक्षा क्या है, संस्कार को ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भेदभाव को दूर कर सके। अब देखिए, लेखक की एक और सलाह है, छोटी सी सलाह है, क्या सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा, मान लीजिए कि आप विदेश का साहित्य पढ़े, इंग्लैंड का कोई इतिहास का बुक उठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश वगैरह में अगर लिखा है तो आप पढ़िए, ठीक है, आप हर भाषा सीखिए, हम मानते हैं संस्कृति को सीखिए, लेकिन वहाँ की संस्कृति को सीख करके और उसे हिंदी में अनुवाद कर दीजिए और अपने यहाँ बताइए। आप बताइए ना, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या दूसरे जगह इंग्लैंड में जाकर की किताब नहीं लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं वो किताब, और यहाँ पे आकर के उसे हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं, ताकि इसको पढ़ करके पूरे लोग मोटिवेट हो कि अच्छा, इंग्लैंड में ऐसे संस्कार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे यहाँ के युवा, स्त्री पुरुष, सभी भाषाओं का ज्ञान लेकर, सभी भाषा का ज्ञान लीजिए, गांधी जी मना नहीं किए कि ये ज्ञान मत लो, वो भाषा मत बोलो, ये भाषा मत बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, जो अच्छा लगे वो बोलो, अरबी बोलो, फारसी बोलो, ठीक है, लेकिन उसका ज्ञान अपने पास मत रखो, आकर के सबको बताओ, अपना एक किताब लिखो जिसमें सब बताओ, तो हम लोग पढ़ते ही हैं सबका किताब, और देसी भाषा में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। यही गांधी जी का एक क्या है, सलाह है, संस्कृति के बारे में यहाँ थोड़ा सा समझो, दूसरे की संस्कृति के कद्र से पहले अपनी संस्कृति को समझें।
बाबू भारत की संस्कृति बहुत ही जबरदस्त और ऐसे संस्कृति पूरे विश्व में नहीं है। तो सबसे पहले दूसरे का इज्जत करने से पहले अपने घर का इज्जत करना शुरू करो, यानी दूसरे की संस्कृति को क्या कदर देने से पहले अपनी संस्कृति को समझें, क्योंकि हमारी संस्कृति रत्न भंडार से भरा है। हमारी संस्कृति में तो इतना भंडार भरा है कि अपने संस्कृति के बारे में जाने, अपने सभ्यता अपने परंपरा के बारे में जाने तो बहुत ही जबरदस्त हमारे यहाँ की परंपरा है। उसको अगर सही से निभाएं तो बाबू समाज हमेशा सही से और सुचारू रूप से चलेगा, अच्छा से चलेगा। ठीक है, हम ये नहीं करें कि दूसरे की संस्कृति, दूसरे का पर्व त्यौहार जो भी आता है, संस्कृति मनाया जाता है दूसरे देश में, उसको वो बुरा है। उसका सम्मान दो, उसका इज्जत दो। कोई धर्म जात बुरा नहीं होता है, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए लेकिन दूसरे धर्मों को भी आप क्या कीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। ठीक है, अब देखिए, कभी अपने भाषा और धर्म का त्याग मत करो। कहीं भी जा रहे हो, मान लो कि आप चले गए इंग्लैंड, तो जाकर के वहाँ के निवासी मत बन जाइए, जाकर के वहाँ के धर्म को मत अपना लीजिए, अपने धर्मों का सम्मान दीजिए। अब त्यागिए मत, सामने वाले के धर्मों का भी सम्मान दीजिए, अपने भी धर्मों का सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। ठीक है, उसको त्यागिए मत, सभी धर्मों का सम्मान करें और संस्कृति का ज्ञान है तो उस पर अमल करें। अगर भारत के बारे में आपको जानना है और इसकी सभी संस्कृति परंपरा जो भी चले आ रही है उसका अगर ज्ञान है तो उसको फॉलो करें, सभी लोगों को तक पहुंचाएं कि नहीं, भारत में अच्छे संस्कार के बदौलत ही भारत चल रहा है, पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति हमारे भारत की है, इसकी पहचान आप खुद बने, आप सबके प्रति प्यार की भावना रखें, तब जा करके हमारा समाज कहलाए कि हाँ यहाँ की संस्कृति बहुत ही ज़बरदस्त है। यही बताएं महात्मा गांधी इस लेसन में। तो यह अगर लेसन आपको समझ आया हो तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये आपका गद खंड पूर्ण रूप से गद खंड समाप्त हुआ, एक काव्य खंड वगैरह आपका है, उसके बाद एक वर्णिका हिंदी है जिसमें 5 लेसन आता है, उससे तो लगभग 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको देन एंड देयर कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव सीरीज कराया जाएगा। एग्जाम के पहले आपका हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी, ये आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा, ये गारंटी आपको हम देते हैं। और आप बाबू जबरदस्त मेहनत कीजिए, अपनी संस्कृति को भुलाइए मत, बैठ करके पढ़ाई करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैथमेटिक्स तो समझिए कि आपका 100 में 100 वाला सीरीज चलेगा ना, आपका आएगा ही आएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।